दोस्तों अपने लेक्चर सीरीज के इस श्रृंखला में लेक्चर की श्रृंखला में हम आज कल के वीडियो का की अगली कड़ी अर्थात लॉ ऑफ डिमांड का जो सेकेंड पार्ट है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला वीडियो पसंद जरूर आया होगा और कुछ लोगों ने उस पर कमेंट भी किए हैं। आपका प्यार और स्नेह ऐसे मिलता रहे। दूसरे वीडियो के लिए मैटर शुरू करते हैं। हमने कल आपको छोड़ा था लॉ ऑफ डिमांड पर। हमने दो एक्सेस लिया था। इस पर हमने लिया था क्वांटिटी डिमांडेड और इस पर हमने लिया था प्राइस। हमने ये बताया था आपको कि अगर हमें तीन पॉइंट मिल रहे हैं जो कि मांग वक्र के एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदु हैं, पॉइंट ए बी सी, दीज थ्री आर द पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड ऑन द सेम डिमांड लाइन। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसको हमने कहा था चेंज इन डिमांड। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ डिमांड के स्टेटनिस पेरिबस की एजम्पशन को, अन्य बातें समान रहने की एजम्पशन को अगर हम खत्म कर दें अर्थात उसको ब्रेक कर दें, ब्रेक करने का मतलब क्या होगा? हम कह रहे हैं कि प्राइस के अलावा किसी एक फैक्टर में और परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही किसी एक फैक्टर में और परिवर्तन होगा, सपोज There is a change taking place in the income. Price के साथ साथ income भी बढ़ रही है, अर्थात यहां अन्य बातें समान रहने की the ceteris paribus assumption of ceteris paribus we are breaking the rule of ceteris paribus law of demand. We are breaking the law of demand. This change is taking beyond the law of demand. हम इसको कहते हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये beyond law of demand हो रहा है। अगर हम देखिए बात करते हैं कि प्राइस की P2 है और क्वांटिटी डिमांडेड Q2 है। ध्यान दीजिएगा, प्राइस P2 है, क्वांटिटी डिमांडेड Q2 है। अगर प्राइस बढ़ करके P1 हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड घट करके Q1 हो जानी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन कई बार एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर जिस समय प्राइस बढ़ रही है उसी सेम टाइम पे अगर हमारी इनकम भी बढ़ जाए तो हम कहीं यहां पर होंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड घटेगी नहीं बल्कि अपने ही पूर्व निर्धारित स्थान पर बनी रहेगी। हमारी इनकम अगर बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ने पर भी हम कंजम्पशन को घटाते नहीं है। सेम थिंग, प्राइस अगर पी हो जाए डिमांड घट करके क्यों हो जाना चाहिए? लेकिन चूंकि इनकम बढ़ रही है इसलिए हमारी डिमांड घटेगी नहीं बल्कि हम कहीं यहां पर आ जाएंगे। ठीक, अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो हमें एक नई डिमांड लाइन मिल जाएगी।
हमें एक नई डिमांड लाइन मिलेगी, इस डिमांड नई डिमांड लाइन को पुरानी डिमांड लाइन से ये शिफ्ट हुई है, ठीक है, ये पुरानी डिमांड लाइन से शिफ्ट हुई है, तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड लाइन या डिमांड कर, शिफ्ट इन डिमांड लाइन। तो हम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, शिफ्ट इन डिमांड आर चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड जब पूछा जाएगा तो इट मीन्स दिस इज टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। जब हम पॉइंट ए से बी पर, बी से सी पर चलते हैं तो ये चेंज इन डिमांड है। अगर हम सी से डी पर पहुंच जाए, डी से ई पर पहुंच जाए या सी से ई पर पहुंच जाए तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। क्लियर? हमने कल भी बताया था कि अगर ये डिमांड लाइन राइट को शिफ्ट होता है, अगर ये डिमांड लाइन राइट को शिफ्ट होता है तो ये कहलाएगा एक्सपेंशन। ऐसा हो सकता है कि प्राइस के साथ साथ या प्राइस के बिना भी हमारी इनकम घट जाए, ऐसा भी हो सकता है, प्राइस ना चेंज हो लेकिन हमारी इनकम घट जाए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जेट एयरवेज ने अनाउंस किया है कि वो 5 से लेकर के 25% तक अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करेगा। क्यों करेगा? उसको अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है। यह हमने शुरू की इनिशियल क्लास में, आपको इनिशियल लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब जितने भी जेट के कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 10,000 के ऊपर है और करोड़ों तक है, उन कर्मचारियों की सैलरी में ये कटौती होनी है। अब इनकम तो नहीं, प्राइस तो नहीं बढ़ रही है लेकिन उनकी इनकम घट जा रही है, 25% तक इनकम घट रही है। ऐसे में क्या होता है जरा देखते हैं फिगर में। अगर मान लीजिए मार्केट में प्राइस P2 है, अगर मार्केट में प्राइस P2 है, प्राइस इनकम घट जाती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर इनकम घट जाती है तो आप इतनी ही क्वांटिटी का डिमांड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी इनकम घट रही है। ऐसे में क्या होगा, आप अपने इनकम को रिड्यूस करने के लिए कहीं यहां पर आने की कोशिश करेंगे। प्राइस लेवल विल बी द सेम, प्राइस लेवल विल बी द सेम बट द क्वांटिटी विल रिड्यूस। सेम यहां पर भी हम बात कर सकते हैं, प्राइस में कोई चेंज ना हो लेकिन इनकम घट जाए तो आप अपने इस प्रेजेंट कंजम्पशन को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं बल्कि आपको कहीं यहां पर आना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो हमें एक नई डिमांड लाइन मिल जाती है जिसको हम D2 कह रहे हैं और पॉइंट मिल जाता है F और G। यह भी शिफ्ट इन डिमांड है, इसको भी हम शिफ्ट ही कहेंगे, शिफ्ट इन डिमांड। लेकिन ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन नहीं करेगा कहा जाएगा बल्कि ये कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है बिकॉज ऑफ लो इनकम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैंने कल बताया था आपको, कल बताया था कि जब एक ही लाइन पर मूवमेंट हो तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड है। जब एक लाइन से हम दूसरी लाइन पर पहुंचते हैं तो वो बियॉन्ड द लॉ ऑफ डिमांड है। वो क्या है, बियॉन्ड द लॉ ऑफ डिमांड। राइट को शिफ्ट होगा तो एक्सपेंशन, लेफ्ट को शिफ्ट होगा तो
कॉन्ट्रैक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। देयर इज एनी कंफ्यूजन? नो। तो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब हम सप्लाई पर आए। दिख रहा है आपको? अच्छा, हम इसको कब कर रहे हैं? ठीक है, हमेशा पेन और कॉपी आप अपना तैयार रखा करिए। जो बोर्ड पर चल रहा है, व्हाट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, प्लीज नोट डाउन ऑन द बोर्ड। इन फ्यूचर आपको कोई भी चीज रिमाइंड करने के लिए हम आप बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर पढ़ा रहा होता है और बोर्ड पर कुछ ऐसे बना देता है या कुछ और कर देता है। हम लोगों की आदत थी अपने लाइफ टाइम में, अपने स्टूडेंट टाइम में, कि जो भी टीचर जैसे बनाता था बोर्ड पर, एक एक चीज, एक एक सिंबल, उसको ऐसे ही बना लो। होता यह था कि आज भी हमें याद है कि हमारे टीचर ने इस चैप्टर को पढ़ाते समय बोर्ड पर क्या बनाया था और ये सिंबल बनाया था तो क्या कहा था। हम लोग सिंबल को कोरिलेट करते थे वर्डिंग से, और इकोनॉमिक्स में रट करके आप कोई भी चीज शान नहीं सकते। ये बात बता दें, रटने की कोशिश मत करिए, हर चीज को कोरिलेट करिए, अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। और इकोनॉमिक्स में कभी रटने की कोशिश करिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए हम बात करते हैं सप्लाई की। हिंदी क्या होती है? सप्लाई किसे कहते हैं? अगर हम कोई भी इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट का मतलब होता है ऑल द रॉ मटेरियल्स विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट एंड विच वी आर पुटिंग इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, दैट इज नोन एज द सप्लाई। हम जो कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं इनपुट का प्रयोग करके, रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके, इनपुट में रॉ मटेरियल्स का कच्चा माल, में केवल कच्चा माल ही नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें इनपुट्स में आती हैं। तो हम इनका प्रयोग करके जो कुछ भी बाजार में बिकने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वो सब क्या कहलाएगा? पूर्ति कहलाएगा। पूर्ति कहलाता है, उसको हम सप्लाई कहते हैं। तो सप्लाई इज ऑल दैट, ऑल द थिंग्स विच हैज बीन पुट इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, दैट इज सप्लाई। तो अब सप्लाई को हम पैसे में कोरिलेट कर सकते हैं, यानी हम जिसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम क्या है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मांग का नियम पढ़ा था कि मांग का नियम क्या है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं पूर्ति का नियम क्या है। तो पूर्ति का नियम कहता है कि यस इज द फंक्शन ऑफ पी एट सेट पर। फिर वही बात, सेट इज परिपस, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ पी, अर्थात यस इज सप्लाई एंड पी इज प्राइस। सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एट सेटरिस परिवस। सेटरिस परिवस, अब यहां पर कौन सा सेटरिस परिवस है? यहां पर कौन कौन सी फैक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू इफेक्ट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं? हम आपको यहां पर लिख दे रहे हैं फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स हैं, सबसे पहला है टेक्नोलॉजी, तकनीकी। इनपुट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनपुट अर्थात रॉ मटेरियल। दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरा है
प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड प्रोडक्ट जो इनके कंपटीटिव प्रोडक्ट हैं। मान लीजिए अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं, तो उसका कंपटीटर कौन है, उसकी प्राइस क्या है, और सबसे बड़ी चीज है कि किस तरह के मार्केट में आप प्रोडक्ट को उतार रहे हैं। मोनोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, डियोपोली मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यानी मार्केट कैसा है जिसमें आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर ये सब चीजें दी हुई हैं, ये सारी चारों चीजें दी हुई हैं, देन द लॉ ऑफ सप्लाई विल बी, लिख लीजिए क्लाइंट में, द लॉ ऑफ सप्लाई हैज द पॉजिटिव रिलेशनशिप, द लॉ ऑफ सप्लाई हैज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, पूर्ति और मूल्य के बीच धनात्मक संबंध होगा। देयर विल बी ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, मीन्स इफ द प्राइस विल इंक्रीज द सप्लाई विल इंक्रीज, इफ द प्राइस विल डिक्रीज द सप्लाई विल डिक्रीज। अगर सप्लाई प्राइस घटेगी तो सप्लाई घटेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। अर्थात अगर हम इसको फिगर में दिखाएं तो फिर वही बात होगी कि इस पर हम दिखाते हैं हमेशा हमेशा मैं आपको बताया है कि इस पर क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी, और इस पर दिखाएंगे प्राइस। तो क्या होगा, देयर विल बी ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई, और ऐसे केस में सप्लाई लाइन जो होगी वो होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग ध्यान रहे धनात्मक ढाल वाली, पॉजिटिव स्लोप वाली, ऐसा नहीं हम इसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। अब ध्यान दीजिए यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा होता क्यों है, सिंस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर प्राइस की है तो सप्लाई होगा, या प्राइस बढ़ जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि जो लोग अभी तक मार्केट में ये सोच करके नहीं उतरे थे कि इससे हमको प्रॉफिट होगा, इससे हमको प्रॉफिट होगा, जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ता है इन द एंटीसिपेशन ऑफ गेटिंग मोर प्रॉफिट, ये एज्यूम करते हुए कि हमको मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो लोग मार्केट में नहीं थे वो अपनी एंट्री मार्केट में करते हैं, और जो मार्केट में मौजूद होते हैं वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, इसलिए प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है। सेम थिंग हियर, अगर प्राइस को पी टू बढ़ा दिया जाए तो सप्लाई बढ़ करके यस टू हो जाएगा। इसके अपोजिट में वही चीज होता है, अगर सप्लाई प्राइस को घटा दिया जाए तो बहुत सारे लोग जो मार्केट में बहुत बड़ी लाभ की उम्मीद में थे वो मार्केट को छोड़ देंगे, और कुछ ऐसे प्रोड्यूसर जो मार्केट में अभी भी बने रहना चाहते हैं लेकिन वो अपने प्रोडक्शन को घटा देंगे, प्रोडक्शन को घटाते ही उनकी सप्लाई मार्केट में टोटल सप्लाई घट जाएगी, अर्थात प्राइस घटने पर सप्लाई घट जाएगी। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि
प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप अर्थात धनात्मक संबंध क्यों होता है। तो ये संबंध हुआ प्राइस और सप्लाई का, डिमांड का संबंध हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हम और आगे बढ़े, हम बात करते हैं अब इक्विलिब्रियम की, संतुलन की। इक्विलिब्रियम अर्थात संतुलन कहां होगा? प्राइस मार्केट में तय कैसे होगी? ध्यान दीजिएगा, हमने आपको जब शुरू के कुछ लेक्चर्स लिए थे तो उस समय बताया था कि मार्केट में, मार्केट फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो हम दो तरह के फोर्सेस की बात करते हैं। मार्केट फोर्सेस में दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई। इन यही मिलकर के तय करती हैं कि मार्केट में प्राइस क्या होगा। मार्केट में प्राइस क्या होगा, हम और भी तरीके हैं तय करने के, मार्केट की प्राइस को तय करने का। जैसे एक सिस्टम होता है ऑक्शन सिस्टम, नीलामी प्रक्रिया, वो भी मार्केट में मूल्य तय करने का एक प्रक्रिया है। दूसरा है बार्गेनिंग सिस्टम, हम बार्गेन करके भी मार्केट में प्राइस को तय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम बाजार की शक्तियों की बात करते हैं, मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं, तो बाजार की शक्तियां होती हैं डिमांड एंड सप्लाई। हम फिर से आपको बता दें, वाई एक्सिस पर हमेशा क्या लेते हैं, प्राइस, और एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं क्वांटिटी। हमने पहले ही आपको बता रखा है कि सप्लाई कर्व होगा, सप्लाई लाइन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, और डिमांड लाइन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाए, अर्थात जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। इसी को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। और इस पॉइंट पर जो क्वांटिटी डिसाइड होता है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। कहां पर होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। Where demand and supply are intersecting each other, that will be the equilibrium point. ठीक है, equilibrium point हुआ E, equilibrium quantity हुआ O, Q, equilibrium price हुआ O, P. आप ध्यान दीजिए, ये लेकिन कोई ऐसा प्राइस तो है नहीं ना। देखिए, सप्लायर कभी डिमांड करने वाले से मिलता है, डिमांड करने वाला कभी सप्लाई से मिलता है, तो अचानक कोई सप्लाई और डिमांड तो बराबर हो नहीं जाएंगे। तो ऐसे में मार्केट तय कैसे करता है, हम एज्यूम करने चल रहे हैं कि मान लीजिए प्राइस है P1 प्राइस पर। आप ध्यान दीजिए कि डिमांड कहां है, डिमांड है पॉइंट A पर और सप्लाई है पॉइंट बी पर। प्राइस ज्यादा है तो डिमांड घट गई है, लेकिन प्राइस ज्यादा होने के समय डिमांड, सप्लाई बढ़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट में हमारा सामान बिक जाएगा और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग इस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने डिमांड करना ही बंद कर दिया, और बहुत सारे लोग जिनकी इनकम कम थी उन्होंने डिमांड को घटा दिया, कम कर दिया। ऐसे में ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सेस सप्लाई, अतिरिक्त सप्लाई।
जब बाजार में अतिरिक्त सप्लाई होगा तो प्राइस के घटने की प्रवृत्ति होगी, प्राइस के घटने की प्रवृत्ति होगी। अब कोई प्राइस तो ऐसी बात है नहीं कि आकर के यहीं रुक जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, मान लीजिए प्राइस आकर के रुक जाती है पी टू पर, मान लीजिए पी टू पर प्राइस रुक जाती है, ऐसे में सप्लाई आ गई सी पर और डिमांड पहुंच गया डी पर। क्यों हुआ, प्राइस कम होते ही बहुत सारे सप्लायर जो मार्केट में थे उन्होंने मार्केट को छोड़ दिया, जब मार्केट छोड़ दिया तो सप्लाई मार्केट में घट गई। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो अभी इस प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, मार्केट में प्राइस कम होते ही उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, तो डिमांड बढ़ गई और जो डिमांड कर रहे थे उन्होंने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया, तो इसको कहा गया एक्सेस डिमांड। ये एक्सेस डिमांड कहलाया। अब ऐसी स्थिति में प्राइस में क्या होगा, बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, जब एक्सेस सप्लाई होगा तो प्राइस में घटने की प्रवृत्ति होगी, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड के बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, और ऐसे स्थिति में डिमांड प्राइस में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, और धीरे धीरे कभी प्राइस यहां होगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, कभी प्राइस यहां होगा, फिर कभी प्राइस यहां होगा, फिर कभी प्राइस यहां होगा, कभी प्राइस यहां होगा, और लॉन्ग टर्म में आकर के ये इक्विलिब्रियम प्राइस स्टेब्लिश हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आप साइंस में पढ़ते होंगे कि अगर एक पेंडुलम को ऐसे हिला दिया जाए तो ये ऐसे जाकर के तुरंत नहीं खड़ा हो जाएगा, उसके ये पोर्शन जो ये जो भी आप कहते हो इसको, वो धीरे 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 कम होता होता और इसके बाद ये क्या करता है, आकर के स्टेबल होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस भी शुरू में इसका ये पोर्शन चौड़ा होता है और धीरे धीरे इक्विलिब्रियम प्राइस आकर के स्टेब्लिश होता है, क्योंकि सप्लायर डिफरेंट है और डिमांड करने वाला डिफरेंट। हमने आपको बताया था कि प्राइस को हम और कैसे तय कर सकते हैं, ऑप्शन सिस्टम से नीलामी लगा करके गोली लगा देते हैं। दूसरा हमने आपको कहा था कि बार्गेनिंग सिस्टम से भी प्राइस तय कर सकते हैं। बार्गेनिंग को आप जानते ही हैं कि सप्लायर अर्थात सेलर और जो कंज्यूमर है दोनों आपस में बार्गेन करते हैं और एक ऑप्टिमम प्राइस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसको भी इक्विलिब्रियम प्राइस ही कहते हैं। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं मार्केट फोर्सेस की, तो जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगा उसी को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहें। हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अब तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही और बहुत धन्यवाद।